Hi, this is Manisha Singh. Welcome back to my YouTube channel. Friends, I hope you all are doing well and good and आपकी preparations भी काफी अच्छे से चल रही होगी. तो अभी हम सभी का इंतजार होता है खत्म, क्योंकि फाइनली यूपी ट्रिपल एसी पेड 2023 के लिए नोटिफिकेशंस आउट हो चुके हैं. फ्रेंड्स, ये एक ऐसा एग्जाम है जिसके लिए हर गवर्नमेंट एस्पिरेंट को फॉर्म अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि अगर आप यूपी ट्रिपल एसी के किसी भी वैकेंसी के लिए जाओगे तो सबसे पहले आपसे यूपी ट्रिपल एसी पेड का स्कोर कार्ड जो है ना मांगा जाता है कि क्या आपने एग्जाम दिया था यूपी ट्रिपल एसी पेड के लिए. तो ये ना हमारे लिए बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है. तो अगर आप भी इसके लिए इंटरेस्टेड हो, यूपी का कोई भी एग्जाम देना चाहते हो, तो आप इस फॉर्म को जरूर अप्लाई करो. और अगर इंटरेस्टेड हो फ्रेंड्स, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि कंप्लीट डिटेल में मैं इसका सारा कुछ बताने वाली हूं. तो चलिए हम लोग बिना टाइम को वेस्ट करते हुए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं. फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि यूपी ट्रिपल एससी का अगर आप पेट का फॉर्म भरते हो, तो चाहे यूपी का कोई सा भी एग्जाम के लिए आप इंटरेस्टेड हो, जूनियर असिस्टेंट, लेखपाल, पटवारी या जो भी एक साल के अंदर आएगा, आप उसके लिए इलिजिबल रहोगे, मतलब कि आप फॉर्म अप्लाई कर पाओगे. तो चलो, जिनको नहीं पता कि यूपी ट्रिपल एससी क्या होता है, उनको बता दूं कि उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से ना हर साल पीईटी यानी कि प्रीलिमिनरी इलिजिबिलिटी टेस्ट का जो है एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है. तो चलो फ्रेंड्स, अब हम लोग देख लेते हैं कि इसके लिए इम्पोर्टेंट डेट्स क्या रहने वाले हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल बता दूं कि आपका ये फॉर्म ऑलरेडी स्टार्टेड है 1 अगस्त 2023 से, एंड लास्ट डेट टू अप्लाई आपका 30 अगस्त 2023 रहने वाला है. अब आप सोच रहे होंगे फ्रेंड्स कि आपने 2023 में पीईटी का एग्जाम दिया था, जिसका कि रिजल्ट 21 जनवरी 2023 को आया था, तो क्या मुझे भी ये फॉर्म अप्लाई करना चाहिए? ऑब्वियसली करना चाहिए. आपने जो दिया था एग्जाम, उसका रिजल्ट कब आया था? 25 जनवरी 2023 को. तो इसका वैलिडिटी 1 ईयर के लिए होता है. सो ये आपका 24 जनवरी 2024 तक ही वैलिड रहने वाला है फ्रेंड्स. तो अगर आप चाहते हो कि नेक्स्ट ईयर में 25 के लिए अगर आप इलिजिबल रहो यूपी ट्रिपल एसी की किसी भी जॉब वैकेंसी के लिए, तो आपको ये फॉर्म जरूर भरना चाहिए. चलो फ्रेंड्स, मैं बता देती हूँ फॉर्म की फी क्या रहने वाली है. जनरल ओबीसी से 185 रुपीज लिया जाएगा, एससीएसटी से 95 रुपीज, और फिजिकली हैंडीकैप यानी दिव्यांग लोगों से 25 रुपीज ही फॉर्म की फी ली जाएगी. अब बता देती हूँ फ्रेंड्स, इसके लिए एज लिमिट क्या रहने वाला है. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता दूं, योर एज लिमिट विल बी कैलकुलेटेड एज ऑन 1 जुलाई 2023. योर मिनिमम एज विल बी 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम 40 ईयर्स रहने वाला है. एजुकेशनल क्वालिफिकेशन काफी सिंपल है, मतलब अगर आप मिनिमम 10th पास आउट हो, आप हाई स्कूल पास कर रखे हो, तो आप इसके लिए एलिजिबल रहने वाले हो. अदरवाइज आपके पास जितना हायर क्वालिफिकेशन है, वो आपके लिए आगे बेटर रहने वाला है. इसमें कोई सा भी फिजिकल क्राइटेरिया नहीं रखे गया है, सिंपली एग्जाम के बेसिस पे ही आपका इसमें स्कोर कार्ड आता है, जिसके तहत आप यूपी ट्रिपल एसी के थ्रू वेरियस पोस्ट की वैकेंसीज के लिए 1 ईयर के अंडर अप्लाई कर सकते हो. तो चलो फ्रेंड्स, मैं बता देती हूँ एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है. 100 क्वेश्चन का पेपर होगा, 100 मार्क्स के लिए 2 आवर्स में कंडक्ट कराया जाएगा. निगेटिव मार्किंग आपको 1/4 यानी कि 0.25 की निगेटिव मार्किंग रहने वाली है आपकी. एग्जाम की डेट अभी खैर अनाउंस तो नहीं किया गया, बट एक्सपेक्ट कर सकते हो आपकी नवंबर तक ये पेपर ना कंडक्ट करा लिया जाएगा. तो चलो मैं आपको बता देती हूँ सब्जेक्ट वाइज आपका जो है एग्जाम में कितने कितने क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे. सबसे पहले फ्रेंड्स, आपका इंडियन नेशनल मोमेंट से 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए, इंडियन हिस्ट्री के 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए, ज्योग्राफी के 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए, इंडियन इकोनॉमी से आपका 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए. यहाँ पर आपको जनरल साइंस से भी क्वेश्चन रहेगा 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए, एलिमेंट्री अरिथमेटिक यानी कि मैथमेटिक्स के 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए, जनरल इंग्लिश से 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए, जनरल हिंदी से 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए, लॉजिक एंड रीजनिंग का 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए. देन फ्रेंड्स, आपका जनरल अवेयरनेस है 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के लिए, करेंट अफेयर्स 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के लिए, एनालिसिस ऑफ हिंदी यानी कि अनरीड पैसेज का 2 पैसेज रहेगा आपका 10 मार्क्स के लिए,
ग्राफ इंटरप्रिटेशन से दो ग्राफ रहेगा 10 मार्क्स के लिए, टेबल इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस से दो टेबल रहेगा 10 मार्क्स के लिए। ओवरऑल आपको 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के लिए 2 आवर्स में ये पेपर कंडक्ट कराया जाएगा। ये सब कुछ इस बार ऑफिशियली आपको जो नोटिफिकेशन आया है उसमें ही बता दिया गया है फ्रेंड्स। तो ये सब तो होगा एग्जाम की पैटर्न। तो अब आप सोच रहे होंगे फ्रेंड्स कि मैं तैयारी कहाँ से करूँ, कैसे तैयारी करूँ, कौन कौन सा बुक इसके लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। तो आपको बता दूं फ्रेंड्स कि आप अगर जनरल अवेयरनेस के लिए अरिहंत का बुक लोगे तो बेस्ट रहेगा, करेंट अफेयर्स के लिए भी अरिहंत की किताब बहुत अच्छी होती है, रीजनिंग के लिए भी अरिहंत की बुक आती है वो बहुत ज़्यादा ही यूजफुल रहता है, जनरल हर कॉम्पिटिशन में आपके काम आ सकता है। जनरल साइंस के लिए बीके एडिटोरियल की बुक आती है, आप वो बाय कर सकते हो। जनरल इंग्लिश के लिए एसवी बख्शी या फिर अरिहंत पब्लिकेशन की बुक काफी सही रहता है तैयारी करने के लिए। सो आप सोच रहे होंगे कि कहीं मैं स्पॉन्सर तो नहीं कर रही हूँ बुक। जी नहीं फ्रेंड्स, मैं खुद तैयारी करती हूँ, तो ये सब बुक जो है बेस्ट लगा मुझे, बेस्ट बुक्स है, टॉप बुक्स, इसके लिए आपको मैंने ये मतलब बस बताया है। अगर आपको खुशी हो तो आप इस पब्लिकेशन की बाई करो, अदरवाइज दूसरे पब्लिकेशन भी है जिनकी बुक अच्छी होती है, तो आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। सो फ्रेंड्स आई होप कि मैंने आपको जो डिटेल बताया यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम 2023 के रिगार्डिंग आप उसको अच्छे से समझ पा रहे होंगे, और अगर समझने में थोड़ी सी भी दिक्कत आए तो आप कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताना, मैं वहां पर आपके क्वेरीज को सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। अदरवाइज यूपी ट्रिपल एससी पेट का नोटिफिकेशन भी आ चुका है, उसको मैं टेलीग्राम ग्रुप में जाके पोस्ट कर दूंगी, तो आपको मेरे टेलीग्राम, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम सबका लिंक ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जल्दी से जाके वहां पे भी आप मुझे फॉलो कर लो। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये सारी अपकमिंग वैकेंसी की जो मेरी वीडियोस होती है उसको शेयर करते रहना, ताकि उनके भी मैं काम आ सकूं। तो फ्रेंड्स मिलूंगी आपसे फिर से किसी न्यू जॉब के अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।